मुझे स्टार्टिंग बॉयज के साथ खेलने नहीं देते थे, वो बोलते थे कि लड़कियां बोल लग जाएगी। फिर एक्चुअली मैं एक एकेडमी में गई थी देखने, फिर मुझे एक दो लड़कियां दिखी जो बॉयकट थी, तो मुझे भी लगा कि माइंड में कि मैं भी बॉयकट हो सकती हूँ, फिर बॉयज के साथ खेल सकती हूँ। तो फिर मैं अगले दिन बॉयकट होकर गई और फिर उन बॉयज को पता भी नहीं लगा कि ये लड़की है। बॉयज के साथ खेलने के लिए ही मैंने अपने बाल कट कराए और फिर उसके बाद अभी नेचुरली हो गया अभी तो। कुछ चैलेंजेस थे जब मैं स्टार्ट किया गेम, मुझे एकेडमी नहीं मिली गर्ल्स की, और ऐसा भी बोलते थे जैसे मैं पहले स्टडी करती थी, फिर मैंने जब क्रिकेट स्टार्ट किया, मैं स्कूल में जाती थी अपने, तो सबने बोला कि क्रिकेट ज्वाइन कर लिया लग जाएगी बॉल, तो मतलब लाइक डिमोटिवेट करने के लिए। टूर्नामेंट था जिसमें मेरा भाई बीमार हो गया था, सो उसके बाद फिर मैं उनकी जगह गई थी और उस टूर्नामेंट के बाद मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला। स्ट्रगल भी रहे हैं जैसे स्टार्टिंग में फाइनेंशियल की प्रॉब्लम और साइकिल पे जाना आना, बिकॉज स्कूल में मैं जाती थी सुबह और फिर स्कूल से आती साइकिल पे अकेडमी, तो ऑफकोर्स हर एक प्लेयर का स्ट्रगल रहता है, तो उसी तरह मेरा भी रहा। अभी तो एक्चुअली ये है कि हम वर्ल्ड कप जीते एज ए टीम के वाइज, उसके बाद ये है कि मैं इंडियन टीम में एटलीस्ट 20-25 ईयर्स कंटिन्यू खेलूं और इंडियन टीम की कैप्टन बनूं और इंडियन टीम को ज़्यादा से ज़्यादा मैच जिताऊं। मुझे फॉरेन में घूमना बहुत पसंद है, तो कोशिश करती हूँ कि नेचर, ज़्यादातर पहाड़ों में, मुझे पहाड़ी बहुत पसंद है, तो कहीं भी घूम के आना या माइंड फ्रेश करने के लिए।